यूपी एलटी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स एंड टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स लिए वीडियो नंबर है थर्ड थ्री डी डायमेंशन ज्योमेट्री का लिया, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए वीडियो नंबर थर्ड है। इसमें पॉइंट मतलब कुछ जो फॉर्मूलाज हैं वो स्ट्रेट लाइन पे बताने वाले हैं। द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है, यानी कि जनरल फॉर्मूला x माइनस का x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन n। इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हुज दिस इज l m n n, ठीक है ना। ये है पासिंग थ्रू x1 y1 एंड z1 एंड हुज दिस इज l m n n, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन जेड वन एंड दिस इज एल एम एन, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगा एक्स माइनस का एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस का वाई वन अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस का जेड वन अपॉन एन। तो ये इसका स्टार्टिंग इक्वेशन हुआ करता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट से अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, दो पॉइंट से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो ये हो जाता है एक्स माइनस का एक्स वन अपॉन एल में होगा एक्स टू माइनस का एक्स वन एंड वाई माइनस का वाई वन अपॉन वाई टू माइनस का वाई वन इक्वल टू जेड माइनस का जेड वन अपॉन जेड टू माइनस का जेड वन। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी टू पॉइंट्स होंगे जो ए एंड बी के फॉर्म में होंगे, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन का जो इक्वेशन है वो आर इक्वल टू है ए प्लस वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस का लेमडा एंड के, ये इक्वेशन ऑफ लाइन सपोज मान लीजिए, एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड प्लेन है आर डॉट एन इक्वल टू पी एंड प्लेन है आर डॉट एन इक्वल टू पी इज, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है वो होगा साइन थीटा इक्वल टू वी डॉट एन अपॉन मोड ऑफ बी एंड मोड ऑफ एन। बी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बी प्लस लैम्डा के होना चाहिए फॉर्मूले में, क्योंकि या तो ए होगा है ना, तो हमसे या तो यानी यहाँ पे बी प्लस लैम्डा के होगा नहीं तो ए यहाँ पे होगा, ठीक है। सपोज ये बी प्लस लैम्डा के हैं तो बी डॉट एन वी डॉट एन अपॉन अब सही हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द लाइन्स एंड प्लेन साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी डॉट एन अपॉन मोडो वेक्टर वी एंड मोडो वेक्टर एन, जहाँ लाइन का जो इक्वेशन था आर इक्वल टू वेक्टर वी प्लस लैम्डा के एंड प्लेन का इक्वेशन आर डॉट एन इक्वल टू पी, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। अगर वे परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर के लिए द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, यानी कि उसका जो नॉर्मल होगा प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है। यानी कि बी क्रॉस बी एंड एन आर पैरेलल, यानी बी क्रॉस एन इक्वल टू जीरो।
परपेंडिकुलर की कंडीशंस में बी क्रॉस एन इक्वल टू जीरो होगा एंड कंडीशन ऑफ पैरेलल बी डॉट एन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। इफ पैरेलल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा बी क्रॉस एन इक्वल टू जीरो एंड इफ पैरेलल बी डॉट एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये दो पॉइंट इसमें याद करने हैं, इसी से डायरेक्ट परपेंडिकुलर एंड पैरेलल की कंडीशन बना लिया करेंगे। अब है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन एंड जो कार्टेशियन फॉर्म में एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, ये तो जनरल सी फॉर्म का था, अब आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ से हटा दें प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशंस है, लाइन है हमारी x माइनस का x1 अपॉन l एंड y माइनस का इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन n, ये तो थी लाइन। एंड प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by, प्लेन है ax प्लस का by प्लस का cz प्लस t इक्वल टू जीरो, ये है प्लेन। लाइन ऊपर वाला है एंड प्लेन जो है नीचे वाली कंडीशन है। थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, देन साइन थीटा इक्वल टू होता है, इसके लिए फॉर्मूला अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी ये होता है ए एल प्लस बी एम प्लस का सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू दूसरे ब्रैकेट में होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी साइन थीटा इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इफ दे आर परपेंडिकुलर। लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन इट्स पैरेलल टू द नॉर्मल, तो उसके नॉर्मल जो है आपस में पैरेलल होंगे, तो उसके लिए जो कंडीशंस बनेगी, कंडीशन बनती है जब ये परपेंडिकुलर होता है इफ, तो उसके नॉर्मल आपस में पैरेलल होते हैं। परपेंडिकुलर होने पर नॉर्मल पैरेलल होंगे, तो इफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या था, यानी कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशंस में यानी नॉर्मल उसके पैरेलल होंगे, यानी एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू होगा एन अपॉन सी, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन थी इफ पैरेलल है, पैरेलल है, जब ये पैरेलल है तो उसके जो नॉर्मल्स होंगे, लाइन इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन यहाँ पे नॉर्मल पैरेलल थे। इफ पैरेलल है यानी कि लाइन इज पैरेलल, पैरेलल टू प्लेन, देन नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उस कंडीशन में ए एल प्लस का बी एम प्लस का सी एन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि परपेंडिकुलर की कंडीशन ये बन जाएगी एंड पैरेलल की कंडीशन ये बन जाती है। डायरेक्टली इसको याद रखना, बाकी ये स्टेटमेंट इसलिए लिख दिया है कि क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल पैरेलल होता है, और पैरेलल है, पैरेलल में नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी पता होना ज़रूरी होता है, इसलिए इसको लिख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि इस पे बहुत मोस्ट चीज़ है, इस पे क्वेश्चन बनता ही रहता है ना, तो एक ना एक यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन पे ही काफ़ी क्वेश्चन इसमें से निकल आते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस का x1 अपॉन l y माइनस का y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन n
and the plane. Plane. Plane है ax plus by, ax plus का by plus cz plus d equal to 0. तो उसके लिए points on given, यानि कि points on given by, points किस तरह से given होते हैं, यानि कि x minus का x1 upon l, y minus का y1 upon n, equal to z minus का z1 upon n को r let कर लेंगे, यहां से x by z की values निकाल कर, इस इक्वेशन में पुट किया जाता है, नीचे जो प्लेन का इक्वेशन होगा उसमें पुट करेंगे, फिर से r के टर्म में यानी पॉइंट निकल आते हैं, जैसे x माइनस का x1 अपॉन l इक्वल टू r होगा, न्यूमेरिकल कराएंगे वहां पे सब क्लियर हो जाएगा। ये तो फॉर्म है, पहले फॉर्म में बना दे रहे हैं कि भाई वीडियोस यानी कि फॉर्म के टर्म में आ जाएंगी पहले और उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट होने ही वाला है। ये हो जाएगा z इक्वल टू nr प्लस z1, x y z की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, यानी प्लेन में पुट करेंगे, वहां से हमको x1 y1 z1 कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाया करते हैं, वही हमको पॉइंट निकालने होंगे। ठीक है, आगे जो आता है कंडीशन ऑफ प्लेन, कंडीशन ऑफ ए लाइन टू लाई ऑन ए प्लेन। ठीक है, अब दूसरी, ये तो इंटरसेक्शन वाला हो गया था, अब दूसरा पॉइंट है कंडीशन फॉर ए लाइन टू लाई इन ए प्लेन। ठीक है, यहां पे जो लाइन का इक्वेशन था r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ये था लाइन, एंड प्लेन है सपोज हमारा r dot n equal to p। कंडीशन ऑफ ए लाइन टू लाई ऑन द प्लेन, अगर ये लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन बनती है v dot n equal to 0, दूसरी कंडीशन बनती है a dot n equal to p। दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगी, यानी कि अगर एक लाइन लाई टू द प्लेन पे लाई कर रही है तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाया करते हैं। ये तो थी इस वाली फॉर्म में, अगर पॉइंट फॉर्म में अगर इक्वेशन पड़ा हुआ हो, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में अगर इक्वेशन होता है तो उस पे क्या क्या कंडीशनें बनेंगी तो वो इसमें बता देते हैं। अच्छा जी, पॉइंट फॉर्म में जो लाइन है, पॉइंट फॉर्म में लाइन का जो इक्वेशंस होगा वो होगा x माइनस का x1 अपॉन l, y माइनस का y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन n। ये था इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है लाइन का इक्वेशन, एंड प्लेन का इक्वेशन से ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d इक्वल टू 0। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट होगी ax1 प्लस का by1 प्लस cz1 प्लस का d इक्वल टू 0, यानी कि लाइन लाई टू द प्लेन पहली कंडीशन। नंबर टू कंडीशन होगा al प्लस का bm प्लस cn इक्वल टू 0, al प्लस bm प्लस cn इक्वल टू 0। एंड थर्ड कंडीशन, अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन दिया हुआ है, ठीक है, लाइन दिया हुआ है तो अगर वो नहीं, दो ही कंडीशन यहाँ पे बन पा रही हैं, एक तो ये पॉइंट जो है ये x1 y1 z1 पॉइंट इस प्लेन में लाई करेंगे, इसके जो पॉइंट्स हैं लाइन के पॉइंट x1 y1 z1 इन द लाई इन द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन में लाई करा देंगे, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, एंड जो लाइन का जो डिसीज होते हैं इसके नॉर्मल के क्या होते हैं इसके जो डिसीज हैं नीचे वाले इसके परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि al प्लस का bm प्लस का cn इक्वल टू 0, दो कंडीशन यहाँ पे बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म है हमारा कि इफ द लाइंस का दो इक्वेशन दिया है आर कोप्लेनर है तो, ठीक है, लाइंस आर कोप्लेनर, तो लाइन का फर्स्ट इक्वेशन है r इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन, एंड दूसरा है r इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू। ठीक है,
a1 प्लस का लैम्डा b1 एंड a2 प्लस लैम्डा b2 आर कोप्लेनर। अगर दो लाइंस है कोप्लेनर है तो ये बनेगा a1 b1 b2 या a2 b1 b2 आपस में बराबर होते हैं। मोड़ो वेक्टर a1 b1 b2 इक्वल टू a2 b1 एंड b2, इनका जो वॉल्यूम्स है आपस में इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ a1 b1 b2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ a2 b1 b2, ठीक है। ये इक्वल होगा तो कंडीशंस बननी है कोप्लेनर की कंडीशन, या आर b1 b2 ऑफ a2 b1 b2, वो तो उसमें वही फॉर्म है। अगर ये लाइन कार्टेशियन फॉर्म में अगर आ जाती है, ठीक है, ये तो थी कोप्लेनर के लिए जनरल। इस तरह की फॉर्म में भी वेक्टर हो सकता है, क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म से भी हो सकता है, और कार्टेशियन फॉर्म में यानी कि पॉइंट फॉर्म में हो सकता है। एक लाइन है एक्स माइनस का x1 अपॉन l1 वाई माइनस का y1 अपॉन m1 एंड z माइनस का z1 अपॉन n1, और दूसरा लाइन है एक्स माइनस का x2 अपॉन l2 एंड y माइनस का y2 अपॉन m2 z माइनस का z2 अपॉन n2, ठीक है। अगर ये दूसरी लाइन है, दो अलग अलग लाइन से आर कोप्लेनर, अगर दो लाइंस कोप्लेनर हैं तो कंडीशंस बनेगी, जो इसका फॉर्मूला होता है, तो जहाँ पे फॉर्मूला हुआ करता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस का z1, और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा l1 m1 n1 और l2 m2 n2 इक्वल टू 0, अगर इफ कोप्लेनर है तो, ठीक है। लाइंस आर कोप्लेनर, अगर कोप्लेनर है तो कोप्लेनर की प्रॉपर्टीज अगर फाइंड करानी है तो इस फॉर्म में वैल्यू ड्रा करेंगे इन लाइनों से, इससे और इस लाइन से, दो लाइन से कंपेयरिंग करके x1 y1 z1 l1 m1 n1 और ये x2 y2 z2 l2 m2 n2 फाइंड कर लेते हैं और इसमें ड्रा कर देते हैं। ड्रा करने के बाद वैल्यू आ जाती है, ठीक है, यानी कि 0 आना चाहिए तो कोप्लेनर होगा। फिर है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, यानी इससे बनने वाले प्लेन का इक्वेशन, जो ये लाइन आपस में ड्रा हुई हैं एक दूसरे के कोप्लेनर हैं तो आपस में टचिंग हुई होंगी, टच होने से दो प्लेन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा इफ लाइन कोप्लेनर देन कंटेनिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। वहाँ पे बनने वाला एक प्लेन का इक्वेशन क्या क्या फॉर्म बन पाता है, x माइनस का x1 y माइनस का y1 z माइनस का z1 और यहाँ पे होगा l1 m1 n1 एंड l2 m2 एंड n2 इक्वल टू 0। एक तो ये बनेगा, ठीक है। दूसरा एक प्लेन का इक्वेशन ये बन जाएगा x1 y1 z1 पॉइंट लेके, और दूसरा बन जाएगा x माइनस का x2 l1 l2 और ये हो जाएगा y माइनस का y2 m2 और सॉरी m1 यहाँ m2 एंड z माइनस का z2 यहाँ पे n1 और ये n2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो इसमें प्लेन इक्वेशन बन जाते हैं, उनके इक्वेशन ये हमने लिख दिए हैं कि क्योंकि अगर पूछता है तो ये बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है HD निकालने वाला, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आया करते हैं। अगर HD पूछ ले यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ठीक है, लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस HD, यानी कि HD को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। HD बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, यानी कि जो HD होती है दो लाइनों के बीच की HD यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर हुआ करती है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही HD कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूला बता रहे हैं HD के फॉर्मूले, और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन के लगभग फॉर्मूले एंड हो जाएंगे, और फिर जो है इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। अब तो काफ़ी बड़ी ये हो गई है, एक फॉर्मूला है
So test distance between the lines. Shorter distance को कहेंगे SD, between the line. एक लाइन है हमारा R equal to A1 plus का lambda B और दूसरी है R equal to A2 plus का mu B is, यानी कि इनके बीच का SD equal to बनेगा A2 minus का A1, A2 minus A1 cross B upon vector B का mod. ऊपर मोड है अपॉन नीचे है वेक्टर बी का मोड. ठीक है, ये हो जाएगा एचडी का फॉर्मूला. दूसरी फॉर्म में अगर दूसरा फॉर्म ये है एचडी बिटवीन लाइंस, ये आर इक्वल टू ए1 प्लस लैम्डा बी1 और दूसरा है आर इक्वल टू ए2 प्लस म्यू बी टू यानी कि HD इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस. ठीक है ना, HD के दो फॉर्मूले हैं. एक तो लाइन अगर फॉर्म में इस तरह से हो A1 प्लस लैम्डा B के टर्म में तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि B का टर्म का मतलब हुआ ये जो लैम्डा के साथ जो कांस्टेंट टर्म है ये आपस में दोनों लाइनों में इक्वल होनी चाहिए. यहाँ वाले अलग अलग हों तो ये फॉर्मूला लग जाएगा. अगर ये भी अलग हों, ये तो अलग हैं, ये B1 B2 हों यानी ये भी डिफरेंट हो, तो फॉर्मूला लगेगा ये. इस फॉर्मूला केवल अंतर इतना है, मगर एक ही है लगभग. यहाँ अगर कांस्टेंट के साथ जो वेक्टर्स होता वो अगर सेम होता तो ये फॉर्मूला बनेगा, और डिफरेंट होता तो ये फॉर्मूला बनेगा HD का. ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइंस. टू कोप्लेनर लाइंस, अगर टू कोप्लेनर लाइंस एक है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसकी HD इक्वल टू 0 होगी. ठीक है, HD इक्वल टू 0 होगी. तो HD का फॉर्मूला था A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0. देन ये टर्म 0 में चला जाएगा तो ये हो जाएगा A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0. ये हो जाएगा HD का फॉर्मूला. ठीक है, एक फॉर्मूला और बाकी है, एक दो फॉर्मूला लगभग हो लिए हैं. क्वेश्चन है हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट. परपेंडिकुलर लेंथ निकालना P R1 कोई वेक्टर था अपॉन द लाइन, लाइन है R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B. ठीक है, इस लाइन की परपेंडिकुलर लेंथ निकालना किसी पॉइंट से. R1 में जो पॉइंट X1, Y1, Z1 हो सकता है, अगर R1 के टर्म में दिया है तो R1 में ही रखेंगे, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो होगी वेक्टर A माइनस का R1 क्रॉस वेक्टर B का मोड अपॉन मोड ऑफ वेक्टर B. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाइसेक्शन ऑफ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. बाइसेक्शंस ऑफ एंगल, बाइसेक्शंस का अलग भी फॉर्मूला है, वो भी हम बता देंगे. अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहाँ पे वो भी हो जाएंगे. बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एक है आर इक्वल टू ए प्लस का लैम्डा बी एंड दूसरा आर इक्वल टू ए प्लस म्यू सी आर, यानी कि जो बाइसेक्टर्स बनेंगे वो होंगे आर इक्वल टू ए प्लस का टी सी प्लस का बी, दूसरा बाइसेक्टर होगा आर इक्वल टू ए प्लस का टी सी माइनस बी. एक बाइसेक्टर ये होगा पहला वाला एंड दूसरा होगा ये ए प्लस का टी ब्रैकेट में सी प्लस बी
एंड दूसरा होगा आर इक्वल टू ए प्लस टी सी माइनस बी।